ओहो, मैं आज आप लोगों को 5 ऐसे अमेजिंग टिप देने वाला हूँ जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, और साथ ही साथ जो लास्ट वाला टिप होगा वो आपके लिए बोनस टिप होने वाला है। और ये टिप अगर आप लोग ट्राई करते हो तो आप लोग पावर वर्ल्ड में काफी इजी तरीके से सरवाइव कर पाओगे। तो लास्ट वाइज कम विद मी। लास्ट वाइज फाइनली मैं आ चुका था इस लोकेशन पे। इस लोकेशन पे आप आओगे तो आपको यहाँ पे ट्रेडर देखने को मिलेंगे, लेकिन इतना ही नहीं गाइज, आपको इन ट्रेडर के पास आना है और गाइज इससे सबसे पहले आपको ट्रेड करना है। ये ट्रेडर गाइज काफी सारे पाल्स को आप सेल कर सकते हो जो कि आपके पास फालतू में पड़े हैं, जैसे कि मैंने काफी सारे चिक पिक पड़े थे इस टिप को कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने काफी सारे चिकपी को यहाँ पे गाइस ट्रेडर को बेच दिया, और यहाँ पे मेरे पास काफी सारे लैम्पल भी थे, तो काफी सारी किट्टीवा वगैरह थी, तो इन सबको मैंने सेल कर दिया। और सेल करने के बाद मेरे को मिलेगा इस यहाँ से कॉइन। अब देखो इस कॉइन का यूज क्या है, मतलब आप है ना लेजेंडरी स्पेयर, हाइपर स्पेयर, जो भी अबोव लेवल के स्पेयर को बनाओगे ना तो आपको बोन की जरूरत पड़ेगी, और बोन को आप जब ही इकट्ठा कर सकते हो जब आप हाई लेवल के पोकेमोन को मारो, तभी आपको ज्यादा मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो गाइस ये इस वाले टिप से आप बोन को बिल्कुल 100 से भी ज्यादा बिल्कुल हलवे तरीके से कर सकते हो, मतलब नॉर्मल पोकेमोन को पकड़ो जो कि आप एक ही स्पेयर में कर सकते हो, और उसके बाद गाइस ट्रेडर से इसको बाय कर लो, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लगा। तो मैं सारे लोकेशन आपको मैं बताता जाऊंगा जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब गाइस इससे मैंने ट्रेड किया और मेरे पास 100 से भी ज्यादा बोन आ गए थे। अब गाइस टिप नंबर 2 जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है गाइस, इससे आप बहुत तेजी से फास्ट माइनिंग कर सकते हो। तो देखो अब आप भूल जाओ कि स्टोन एक्स या पिकैक्स का यूज करते हो, अब आप यूज करोगे गाइस पाल स्पेयर, यानी कि इस खाली ओनली स्पेयर। आप स्पेयर का यूज कर से 1 से 3 अटैक में स्टोन हो, वुड हो, आयरन हो या फिर कॉपर वगैरह कुछ भी हो, सबको बिल्कुल हलवे तरीके से, बिल्कुल हलवे मतलब क्या मतलब, आप स्टोन एक्स पिकैक्स का यूज करते थे आप बिल्कुल इस तरीके से नॉर्मली काफी सारी चीजों को इकट्ठा कर सकते हो, वो भी चुटकियों में। तो गाइस ये टिप तो मेरे को काफी ज्यादा खतरनाक लगा। अब देखो गाइस बोन का यूज कहाँ पे होता है। देखो ये कॉन्क्रीट जैसा जो भी है इसके अंदर है ना अपन को पाल फ्रेगमेंट एंड बोन चाहिए होता है, तभी ये बनता है, और इसी से अपन के हाई लेवल के पाल स्पेयर को अपन क्राफ्ट कर सकते हैं। तो देखो अब आना आपको गाइस नेक्स्ट लोकेशन, यहाँ पे है, यहाँ पे काफी सारे पानी के रास्ते मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे फास्ट ट्रेवल के पहुंचना है, नहीं तो आप कोऑर्डिनेट देख सकते हो, वीडियो की हाई क्वालिटी बढ़ा के कोने में आ रहा होगा लिखा हुआ। अब देखो यहाँ पे आने के बाद है ना यहाँ पे आपको काफी सारे वाटर पोकेमोन दिखेंगे, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोकेमोन का यूज कर सकते हो। मैं तो यहाँ पे ओसगर का यूज कर रहा हूँ जो कि काफी ज्यादा खतरनाक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है। देखो इन सबको है ना आपको किल करना पड़ेगा, और आपसे 1 से 2 मिनट में है ना मेरा ओसगर तो गाइस पूरी 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 कुनवे को ही साफ कर देता है, मतलब जितने भी यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं ना सबको, सारे पोकेमोन को साफ कर देता है। और गाइस यहाँ से आपको पता क्या मिलेगा गाइस, पाल फ्रैगमेंट, यहाँ से आपको पाल फ्रैगमेंट मिलेगा जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, मतलब इससे भी आप पाल स्पेयर में, मतलब पाल स्पेयर अबोव लेवल का पाल स्पेयर होते हैं ना उससे आप इकट्ठा कर सकते हो, मतलब ये पाल फ्रैगमेंट होते हैं ना ये उन्हीं सारी चीजों में आपकी हेल्प करते हैं, और ये भी भाई बहुत ज्यादा रेयर होता है। तो मैंने आपको एक बेस्ट प्लेस बताया जहां से आप 1 से 2 मिनट में 50-60 से भी ज्यादा ही कोई इकट्ठा कर पाओगे, जैसे कि मैंने किया। अब देखो गाइस नेक्स्ट ट्रिप जो कि टिप नंबर 3 है, इसके लिए आपको नाइट का यूज करना, और यहां से आप लिफमक एनर्जी को बिल्कुल काफी सारे लिफमक एनर्जी एक ही साथ आपको मिलेगी। देखो जैसे ही नाइट होता है ना तो काफी सारे लाइट वाली चीजें ना चमकने लग जाती है, तो जैसे ही चमकना स्टार्ट करती है तो आपको वो सारे लिफमक एनर्जी देखने को मिल जाएगी जो कि अपन को काफी ज्यादा मदद करती है पाल वर्ल्ड के अंदर पोकेमोन को पकड़ने के लिए। देखो पाल्स को पकड़ने के लिए देखो दूर दूर तक जितने भी चीजें चमक रही है ना सब यहां पे आपको दिख रही है, इसी तरीके से आपको लिफमक एनर्जी भी देखने को मिलेगी। देखो यहां पे मैंने आसपास से कलेक्ट कर लिया था इसलिए मेरे को कम दिख रही है, लेकिन अगर आपने ज्यादा इकट्ठे नहीं किए आपके अभी लेवल भी, मतलब मैं तो मैक्स करने वाला हूं लेकिन आपका अभी मैक्स नहीं हुआ है, तो आप इसी तरीके से सिर्फ रात में ना लिफमक को इकट्ठा करना, तब आपको काफी ज्यादा मजा आएगा, बिल्कुल राड़च करते हुए। अब देखो गाइस टिप नंबर 4 थप्पन का काफी ज्यादा खतरनाक है, इसके अंदर है ना आपको अपने इन्वेंट्री में आना, और यहाँ पे गाइस पाल पैक दिखेगा, और यहाँ पे काफी सारे है ना पोकेमोन दिखेंगे, तो आप जिस भी पोकेमोन को पकड़ना चाहते हो या फिर उसको ढूंढना चाहते हो तो यहाँ पे भाई उस पर क्लिक करना, और हैवी, ये हैवी बाइट करके कुछ लिखा आएगा, हैवी टाइट करके वहां पे आओगे तो यहाँ पे है ना येलो कलर का मार्क आ जाएगा जहां पे वो पोकेमोन की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, मतलब वहां पे उसी टाइप के सिर्फ पोकेमोन मिलेंगे और कहीं पे भी नहीं मिलने वाले। तो ये टिप काफी ज्यादा खतरनाक है, काफी सारे लोगों को नहीं पता था कि किस तरीके से अपन पाल को ढूंढे, तो ये टिप आपके लिए, आप आराम से बिल्कुल हलवे तरीके से पाल्स को ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे भाई मेरे को चाहिए थी काफी सारी मिल्क टैंक चाहिए थी, यानी कि अपन को मिल्क चाहिए थी काफी सारे केक वगैरह बनाने के लिए ताकि अपन ब्रीडिंग कर पाए, तो यहाँ पे मेरे को मिल गया। अब गाइस नेक्स्ट है बोनस राउंड जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है भाई, इस टिप के अंदर आप कर सकते हो भाई प्लेडियन फ्रैगमेंट को इकट्ठा सिर्फ 1 से 3 शॉट में 50 से भी ज्यादा, मतलब मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद। आप इस लोकेशन पे आना और भाई यहाँ पे इस केव के अंदर जैसे ही घुसोगे ना आपको सबसे पहले इस स्फीयर को इक्विप करना है, और भाई ये देखो कितना बड़ा, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा सिर्फ केव के अंदर ही मिलता है ये।
अब देखो मैं दोबारा से माउस का लेफ्ट एंड राइट दोनों को मैंने होल्ड कर रखा है, अब सी दबाते जाओ और भाई ये पिलता जाएगा, मतलब 2 से 3 शॉट में भाई आप 100 से भी ज्यादा इकट्ठा कर सकते हो। बस ये यहाँ पे आपको एक या दो स्टोन मिलते हैं, लेकिन इतने में ही आप 100 से भी ज्यादा इकट्ठा कर पाओगे। तो ये टिप भाई बोनस टिप था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। और भाई आप फाइनल मैंने इसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद है ना गाइस जो अपन का बोनस टिप था वो भी कंप्लीट हो चुका। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट ऐसे ही अमेजिंग से टिप्स एंड ट्रिक वाले गेम प्ले में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।